इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में संजय नगर मेन नाके पर बन रहे निर्माण कार्य पर आज मनपा अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई अमित गडकरी और जितेंद्र साबले ने की है। करीब दोपहर बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि महज 2 से 3 दिन के अंदर ही निर्माण कार्य शुरू हुआ था और बनकर जैसे ही तैयार हुआ मनपा ने इसे तोड़ भी दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जमीन जिस पर निर्माण हुआ था वो लक्ष्मण महात्रे की जमीन है। इस पर तेजी के साथ 3 से 2 दिन के अंदर ये गाले बनाए गए थे। और आपको बता दें कि लक्ष्मण महात्रे और वाड़ासौ जांबले ये शिवसेना विभाग प्रमुख हैं। और ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि जो 3 कमरे निर्माण किए गए थे उसमें से एक में लॉटरी की दुकान थी और दूसरे में किसी चीज़ की और दुकान खोली जानी थी, मगर जो तीसरा कमरा था जिसमें लक्ष्मण महात्रे और वाड़ासौ जांबले पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय खोल रहे थे। ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि पार्टी का बैनर और झंडा भी लगा दिया गया था, मगर आज मनपा ने ये निर्माण किए गए 3 गालों को तोड़ दिया है। मनपा कर्मियों ने बताया कि ये अवैध निर्माण है, इसलिए इसे तोड़ दिया गया है। गैस कटर की मदद से लोहे के एंगल को भी काट दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान लक्ष्मण महात्रे की पत्नी भी पहुंच गई और कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि मनपा ने दीवार और ऊपर का स्लैब तोड़ दिया था, मगर शटर पर कार्रवाई बाकी थी। मगर विरोध होने के बाद मनपा ने शटर नहीं तोड़ा। जिस तरह से तेजी के साथ ये निर्माण हुआ था उसी तरह से मनपा ने इसे चंद सेकंड में ही तोड़ दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।